सच्ची रहनी सही जे अटे कई लाखों भक्त रोता रोता आवे और माँ घेर बाद में हंसते हंसता आवे ओए मामा जी रो चमत्कार है अठी। मनुष्य जीवन ओ बड़ो दुर्लभ जीवन है। 84 लाख योनि पार करियो रे बाद में अपनो मनुष्य जीवन मिले और इन मनुष्य योनि में जन्म लियो रे बाद में अगर अपने कोई सत्कर्म नहीं करो, कोई दान पुण्य नहीं करो, देवी देवताओं की सेवा नहीं करो, गुरु रे आदेश की पालना नहीं करो, मात पिता की सेवा नहीं करो, गौ माता की रक्षा नहीं करो, देश भक्त बनने इन राष्ट्र की सेवा नहीं करोला तो इन मनुष्य जीवन में जन्म लियो रे ही बेकार है। केवे अपर सबरी 4 माताएं हैं कि पहली माँ धरती माँ, दूसरी माँ गंगा माता, तीसरी माँ गौ माता और चौथी माँ जन्म देने वाली माता। और हर बेटा ने इन 4 माता की सेवा करनी बहुत जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य है आज इन समय में गौ माता की सेवा बहुत कम रहे, गंगा माता की सेवा नहीं रहे, लेकिन देश में एक ऐडो बेटो जन्म लीधो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो गंगा माता की सफाई भी की है और गंगा माता की सेवा भी की है। और रही बात इन माटी की, इन माटी की सबो पहले अपनी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इन माटी में साक्षात अटे भगवान ईश्वर प्रभु सब अटे इन माटी में जन्म लीधो है। भारत रा अलावा कोई भी अड़ी माटी नहीं है जटे देवी देवता जन्म लीधो है। इन वास्ते इन माटी ना भी माँ केवो हो, इन मारी अपने सेवा करनी चाहिए। और मैं बड़ो गर्व कहूँ अपनी सभी बहुत ही बड़ा भाग्यशाली हो कि भारत माता री ने गोद में जन्म लीधो है। आज भारत देश जिन तेजी उन्नति और प्रगति करियो थो, एक समय थो कि भारत री पंचायती पूरा देश भर लोग करता, लेकिन आज पूरी विश्व री पंचायती अपनी भारत करे, अपना बड़ा गर्व रहने से आज अपने देश में पे। और मैं धन्यवाद दूँ आज रहने आयोजक परिवार ने, लाभार्थी देवड़ा परिवार ने, जो आज इन्हें मेला रहा लाभार्थी है। निश्चित रूप मामा धनी ने वही प्रार्थना करूँ और मुख्य मारा जितना भी प्रवासी है जो इन्हें मातृभूमि में जन्म लीधो है, लेकिन आपने कर्म भूमि दक्षिण भारत में है, वे दक्षिण भारत में जान है, आप इन्हें माता जी पिताजी जी आशीर्वाद दूँ, अपना देवी देवता रे आशीर्वाद दूँ, आप व्यापार में उन्नति और प्रगति करी, लेकिन आज भी उन्हें अंदर अपने माटी का संस्कार है, भले वे अटो अपने बारे किए रही, लेकिन इन माटी की खुशबू आज भी उन्हें अंदर है, उन्हें दिल में आज भी राजस्थान बचे है। इन वास्ते जिन टाइम भी आप मातृभूमि में कोई भी काम रहे, चाहे धार्मिक काम हो, चाहे अनुष्ठान का काम हो, चाहे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे गौशाला का काम हो, वे प्रवासी लोग अटे आने समय समय माते आप योगदान देवे। इन वासन समस्त प्रवासी भाइयों ने मैं तहे दिल इन ग्रामवासी और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करूँ, बहुत बहुत धन्यवाद दूँ आयोजक परिवार ने, समस्त ग्रामवासी ने, मैंने अटे बुलाने जो मान और सम्मान दीदो, मामा जी बाबूजी दर्शन वास्ते मैंने माथो टेकून वास्ते जो मौको दीदो, मैं निश्चित रूप आपने कहना चाहूँगा जो साफा आप करे इन सापारी मैं हमेशा मर्यादा रखूंगा और मार माता में बहुत बड़ो कर्ज है। और जिन दिन मामा जी रो आशीर्वाद इन जनता रो आशीर्वाद मिल जाएगा तो इन कर्जा रो ब्याज बट्टा सूत्र साथ में सेवारी रूप में आप सबरी सेवा करने मैं ऋण ने जरूर चुकाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारा शब्दों ने विराम दूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलिए भारत माता की। भाई जब तक मारसा मारा दादाजी रो नाम है घीसाराम जी, इनवास है आप बिना मारा काम पूरा नहीं रहे। मारी एक आदत है कि जब तक भारत माता की जय घोष में दोनों हाथ ऊंचो नहीं रहे, ना तो मैं कहीं माइक नीचे रखूं और ना ही मारी वाणी आगे आवे। इनवास से मैं सबों ने निवेदन करूं आप दोनों हाथ खड़ा करो और बंद मुट्ठी भारत माता की जय घोष, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।